विधायक है, जो हमारा विधायक है चौधरी रही साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने मीटिंग करी, अच्छी बात है मीटिंग करना तो, और बोली लगा रहा मुर्दान की कि मुझसे ज्यादा कौन गए, अगर सुनो इतना ही है तो मैं लगा रहा हूं बोली, दे रहा हूं मैं अपने पत्रकार की ना दूंगा से जुड़ी हुई जामा ने छेड़ करने की कोशिश करी है। ये समाज वाले भक्सा का नहीं, 2019 ज्यादा बोलता है, ये समाज उसे समझ सिखाएगा। मैं कहूंगा तो मुझे सिखाएगा, और कोई करेगा तो उसे भी सिखाएगा। कभी कहता कमेटी 1,00,000 रुपए ठगी, अरे चले कमेटी भाई 1 रुपए बता दे हम समाज में आना छोड़ देंगे। यानी समाज के संघू का है सीएम खट्टर, हमारी बात भी मान दो, हमारी सुनता भी, सिर्फ एक रहीसा में नहीं हूं दे पाओ पकड़ लिए, खुदा के वास्ते यहां मत कर दीजो, नहीं नहीं आए हम उठाई दी इनको, अरे कोई कोई बरादरी ना छोड़े जाए दी इनको, तू 6 महीने रहना भूल आना तो यही बरादरी ना, यही समाज में, यही समाज में हमारे बाकी तो भलाइया में ही सीएम सुबिनु कह दो, और पहल के दिनू मीटिंग में आ जा रहे तो इलाके को हीरो हो ही हो, वहां तो मुंह उठा रहे थे लोग, वह चौधरी ऐसा नहीं करवा दियो, वो कौम को गद्दार है, और मेरी जान चली जाएगी पर कौम के संग गद्दारी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ईशा ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है कि मैं इसे अपना इकलाई निपटाऊंगा, मैं इकलाई निपटाऊंगा, ये कमेटी उमेटी ये भग जाएगी, 1-2 दिन में ज्यादा टाइम नहीं लेगी, ये उसको पता नहीं था ये 15 दिन और 20 दिन और महीने चलेगा ये आंदोलन, वो तो अब ये है कि भाई मैं हूँ जो कुछ हूँ इसमें, उसने इसे हमारा और इलाके का बेड़ा रख किया है। तो अभी एक जगह उसने मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने लाइव चला रखा था, उसमें कहा था कि भाई जो है उससे ज़्यादा कौन पैसा देता है, तो क्या कहेंगे अभी आपने उसको जिक्र भी किया? मैं कह रहा हूँ अगर उसमें दम है तो वह आए मुकाबले पे, मेरे पे 50 एकड़ जमीन है, वह 10 एकड़ दे मैं 20 एकड़ दे दूँ, देवे जमीन ही दे दूँ मैं अपनी। तो साइड पर राजनीति कर रहा है क्या माना? हाँ बिल्कुल राजनीति कर रहा है, पहले हम आरोप लगाया कमेटी पे 1,00,000 रुपये खा गए, कौन खा गया 1,00,000 रुपया? आपको भी पता है, आपका आगे मीटिंग भी हुई है हमारी, और ऐसा नहीं है आप पत्रकार, पत्रकारों को पता नहीं है कुछ, जो भी कुछ है आईनिक तरिया किसा है, तो उनके यही था भाई आप लोग अगर हमारी नहीं मान रहे तो मैं आपकी नहीं मानता, उनका तो ये है मैं नहीं मानता इस बात को, मैं समाज के संग रहूंगा, मत दो आपको। तो वो पैसे विधायक के कहने पर नहीं मिले, पार्टी के कहने पर? विधायक और पार्टी दोनों ने मिलकर नहीं दी, सबसे कहा है कि आप इसको पैसे नहीं दे। तो क्या आपने लिस्ट दी थी? हाँ मैंने लिस्ट दी, पैसे मुझे लिस्ट मांगी गई थी 1 करोड़ रुपए की, मुझसे लिस्ट मांगी डी साहब ने कि 1 करोड़ की लिस्ट दो आप, मैं लिस्ट दे के आया हूँ एन मौके पर, लास्ट में मना किया, लास्ट में मना किया। तो क्या आपने तय कर लिया है भाजपा छोड़ने का? नहीं, तय क्या है, मन में दम है तो निकालो मुझे, मैं तो वे भगावत समझ रहे हैं समाज के संघ, तो मैं भागी हूँ, वे अगर भगावत समझ रहे हैं इसे, भाई इसे भगावत समझ रहे हैं समाज के संघ क्यों जुड़ रहा है, मैं भागी हूँ, वो मुझे निकाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लोहिंगा की यूथ ब्रिगेड है उसका शुक्रिया तह दिल से अदा करता हूँ, उन्होंने उनकी मेहनत ने इसे मीटिंग से एक रैली बना दिया, इनका मैं तह दिल से शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, और ऊपर वाले ने मुझे टाइम दिया, मैं इनका कर्ज उतारूंगा, तो ये और लोहिंगा को लोहिंगा का मैं वे स्थान दिलाना चाहता हूँ जो आज से 20 साल या 25 साल पहले था, जो हमारी हमारे काल की जो पंचायतें होती थी लोहिंगा में आ गए तो समझो वे फैसला हो गया, मैं चाहता हूँ वे मान सम्मान वे इस गांव का बहाल हो,
कत्लो गारत बंद हो और भाईचारा यहाँ कायम हो और अमन चैन कायम हो। तो क्या आज की इस मीटिंग से, इस रैली से क्या आपको ताकत मिली है भाई? हाँ, बहुत ज़्यादा ताकत मिली है और मैं एहसान बंद हूँ इन लोगों का, इन्होंने जो मुझे ताकत दी है उसका मैं सदुपयोग करूँगा, दुरुपयोग नहीं करूँगा। तो क्या आपने तय कर लिया है भाजपा छोड़ने का? नहीं, तय क्या है, मन में दम है तो निकालो मुझे, मैं तो अब वे भगावा समझ रहे हैं समाज के जुड़ना संघ, तो मैं भागी हूँ। वे अगर भगावा समझ रहे हैं इसे, भाई इसे भगावा समझ रहे हैं कि समाज के संघ क्यों जुड़ रहा है, मैं भागी हूँ, वो मुझे निकाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।